आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रोग्राम्स। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रोग्राम्स डेटा का प्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पावर पॉइंट प्रोग्राम्स के अंदर हम लोग प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, जो हम लोग बिजनेस में हमारा डेटा को प्रेजेंटेशंस करने के लिए यूज कर सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग, आउटलाइनिंग, ड्राइंग और ग्राफिंग, ये सब काम बड़ी सहलाई के साथ कर सकते हैं और पावर पॉइंट का प्रोग्राम्स यूज करने में भी बहुत इजी है। पावर पॉइंट प्रोग्राम्स के अंदर डेटा का प्रेजेंटेशन हम लोग स्लाइड के जरिए करते हैं और आपकी एक प्रेजेंटेशन फाइल के अंदर आप लोग नंबर ऑफ स्लाइड तैयार कर सकते हैं, यानी आप लोग एक प्रेजेंटेशन फाइल में आपकी जरूरियात के हिसाब से 2, 20, 25 या 40 या 50, यानी आपकी जितनी जरूरियात, आप कैसे डेटा का प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो उसी की जरूरियात के हिसाब से आप लोग स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहां पर एक बात माइंड में रखनी है कि आपकी स्लाइड के अंदर आप लोग जो टेक्स्ट टाइप करते हैं वो टेक्स्ट हो सके इतना छोटा रखना है। टेक्स्ट छोटा इसीलिए आपको टाइप करना है, इसीलिए आपको रखना है कि आपको प्रेजेंटेशंस को देखना व्यूअर आपके टेक्स्ट को झड़प से पढ़ सके, समझ सके और आपका प्रेजेंटेशंस को देख के बोर ना हो जाए। उसीलिए आपको आपकी स्लाइड के अंदर आपका टेक्स्ट छोटा रखना है। स्लाइड के अंदर आप लोग टेक्स्ट और टेक्स्ट के साथ कई ऑब्जेक्ट्स जैसे कि पिक्चर, वीडियो, चार्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं और आपके टेक्स्ट और आपके ऑब्जेक्ट्स के आधार पर आप लोग आपकी स्लाइड के अलग अलग लेआउट भी पसंद कर सकते हैं। तो आइए देखें हम लोग पावर पॉइंट का प्रोग्राम कैसे ओपन करें। आपको पता है जैसे आपने वर्ड पैड, पेंट ब्रश, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल का प्रोग्राम्स ओपन किया था, तो ये प्रोग्राम्स को ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पर जाके क्लिक करना है और ये जो सर्च बॉक्स है वहां पर आपको पावर पॉइंट का स्पेलिंग टाइप करना है। वैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये हमारा पावर पॉइंट का प्रोग्राम्स है, यहां पर क्लिक करके भी हम लोग पावर पॉइंट का प्रोग्राम्स ओपन कर सकते हैं। और एक तरीका है, आपको जाना है ऑल प्रोग्राम्स में और ऑल प्रोग्राम्स के जाने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये प्रोग्राम आपको यहां पर ढूंढना है और यहां पर आने के बाद यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2030 बराबर है, तो यहां से आप लोग पावर पॉइंट का प्रोग्राम्स के ऊपर जाके क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही आपको सिखाया है कि आपको सर्च बॉक्स के अंदर जो प्रोग्राम्स ओपन करना है ये प्रोग्राम का स्पेलिंग टाइप करना है, तो यहां पर हम लोग टाइप करेंगे POWERPOINT बराबर है। तो ये स्पेलिंग टाइप जैसे हम लोग करेंगे तो आप लोग ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मेनू में देख सकते हैं कि पावर पॉइंट्स का प्रोग्राम्स हमारे सामने अभी आ गया है और हम लोग पावर पॉइंट 2030 ये वर्जन का एप्लीकेशन सभी स्टार्ट करेंगे। तो ये प्रोग्राम्स आपको ओपन करने के लिए माउस से इसके ऊपर जाके क्लिक करना है, अदरवाइज आप लोग कीबोर्ड की जो एरो की है तो एरो की के घुमा के आप लोग यहां पर आपका कर्सर लाके यहां पर एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहां पर एंटर की प्रेस करते हैं या क्लिक करते हैं तो आपका जो स्क्रीन है वो कुछ आपको वैसा आप लोग देख पाएंगे। अब यहां पर आपको ये जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है वहां पर आपको क्लिक करना है।
हम लोग जब जब भी कोई प्रोग्राम्स के अंदर कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो हम लोग ज्यादातर ब्लैंक प्रेजेंटेशन से ही स्टार्ट करते हैं। यानी जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा था तो वहां पर भी हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन यानी ब्लैंक हमारा जो था डॉक्यूमेंट वहां से ही हमने स्टार्ट किया था। यहां पर भी हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करेंगे लेकिन ये हमारे पास कई रेडीमेड और प्री फॉर्मेटेड टेम्पलेट है तो यहां से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ये लेफ्ट सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं कि पहले से अगर आपने कोई ये प्रोग्राम के अंदर प्रेजेंटेशंस क्रिएट किया है तो ये प्रेजेंटेशंस का नेम आप लोग यहां पर देख पाएंगे और उसी प्रेजेंटेशंस में से किसी प्रेजेंटेशंस को अगर आपको ओपन करना है तो आप लोग यहां पर जाके क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन हम अभी ब्लैंक प्रेजेंटेशंस ओपन करेंगे क्योंकि आपको पहले से इसको सीखना है और समझना है। तो यहां पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोग कुछ वैसा देख सकेंगे। ये आप जो देख रहे हैं ये पावर पॉइंट का एप्लीकेशन विंडो है। पावर पॉइंट का एप्लीकेशन विंडो का पूरा इंफॉर्मेशन हमने आपको ई बुक्स में भी दिया है तो ये आप यहां से भी पढ़ के इसका इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। वैसे आपको सब कुछ पता है जैसे मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में सब कुछ पढ़ाया था लेकिन एक बार फिर से हम लोग यहां पर थोड़ी जानकारी इसके बारे में ले लेंगे। तो आपको पता है कि ये जो हमारा फाइल मेनू है और ये फाइल मेनू के अंदर न्यू ओपन सेव सेवेज प्रिंट शेयर एक्सपोर्ट क्लोज ये जो सारे कमांड है वो हम लोग हमारी जो प्रेजेंटेशन फाइल है उसी को अप्लाई कर सकते हैं। ये बैक बटन है वापिस हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर आने के लिए। ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है तो जहां पर से आप लोग सेव या अंडू या वैसे कोई भी कमांड यहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है इसको आप अपनी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं और वो मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अच्छे से पढ़ाया था। ये टैब है जैसे होम टैब इंसर्ट टैब डिजाइन टैब ट्रांजिशन टैब एनिमेशन टैब स्लाइड शो टैब रिव्यू टैब और व्यू टैब और इनमें से अभी होम टैब हमारी एक्टिवेट है और ये आप जानते हैं इसको बोलते हैं हम लोग रिबन। और ये हमारे ग्रुप्स है जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप स्लाइड ग्रुप फॉन्ट ग्रुप पैराग्राफ ग्रुप ड्रॉइंग ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। तो ये हमारे ग्रुप्स है। ये हमारा ये जो आप क्वेश्चन मार्क देखते हैं दरअसल ये हमारा हेल्प है। अगर आपको पावर पॉइंट के अंदर किसी ऑप्शंस के बारे में जानना है तो आप लोग यहां से हेल्प भी ले सकते हैं। और ये जो कंट्रोल बटन जिसको हम लोग ग्रुप में कंट्रोल बटन बोलते हैं वैसे इसको अलग 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 मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज बटन बोलते हैं और आपको इसका यूज कैसे करते हैं वो आपको पता है। हमारे एप्लीकेशंस विंडो के अंदर बॉटम में यानी सबसे नीचे ये जो बार आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे स्टेटस बार। और स्टेटस बार के अंदर लोअर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर ये बोलते हैं लोअर लेफ्ट कॉर्नर वहां पर आपकी प्रेजेंटेशंस के अंदर यानी आपकी प्रेजेंटेशंस फाइल के अंदर कितनी स्लाइड है वो आप लोग यहां से देख पाएंगे। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्लाइड है इसीलिए हम लोग देख सकते हैं स्लाइड वन ऑफ वन। लेकिन अगर आपकी ये प्रेजेंटेशंस के अंदर समझ लो 5 स्लाइड है तो आप लोग यहां पर देख पाएंगे 1 of 5 अगर पहली स्लाइड एक्टिवेट है तो। और राइट कॉर्नर में लोअर राइट कॉर्नर के अंदर ये जो हमारा जूम का स्लाइडर है और आपको पता है कि आपकी प्रेजेंटेशंस को अगर आपको जूम आउट या जूम इन करना है तो ये स्लाइडर को घुमा के आप लोग जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं। ये हमारा व्यू है और व्यू के बारे में मैं आपको बाद में भी बताऊंगा लेकिन थोड़ी जानकारी यहां से ले ले। आप लोग जब भी पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशंस ओपन करेंगे
तो ये प्रेजेंटेशंस आपका नॉर्मल व्यू में ही ओपन होगा। तो अभी हमारा ये जो व्यू है वो एक्टिवेट है। इसके साथ में है स्लाइड ऑर्डर व्यू। अगर आपके पास 5, 10, 15, 20 वैसी स्लाइड है तो सभी स्लाइड को एक साथ में देखने के लिए आप लोग स्लाइड ऑर्डर व्यू में भी वैसे देख सकते हैं। देखो बराबर है, तो ये बोलते हैं स्लाइड ऑर्डर व्यू। आपको यहां पर जाके क्लिक करना है, बराबर है। तो ये अभी नॉर्मल व्यू है, देखो ये अभी हमारा नॉर्मल व्यू एक्टिवेट है। और नॉर्मल व्यू के बाद ये है हमारा स्लाइड ऑर्डर व्यू, और ये हमारा है रीडिंग व्यू। तो आप लोग आपकी स्लाइड को वैसे रीड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग वापिस नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। अब हम लोग ये पूरा इंफॉर्मेशन हमने हमारे एप्लीकेशंस के बारे में ले लिया है, तो अब हम सीखेंगे कि हमारे प्रेजेंटेशंस फाइल के अंदर हम लोग स्लाइड कैसे ऐड करें। स्लाइड ऐड करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि हम लोग पावर पॉइंट के अंदर जो एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं, तो वो एप्लीकेशंस को हम लोग जब सेव करते हैं तो इसका एक्सटेंशंस .ppt आएगा। ये .ppt क्या है वो मैं आपको बाद में, आप लोग जब हम लोग हमारा प्रेजेंटेशन सेव करेंगे एट दैट टाइम्स में मैं आपको पूरा इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि पावर पॉइंट के अंदर हम लोग जो फाइल क्रिएट करते हैं उसका एक्सटेंशन .ppt आता है, बराबर है। तो आप जब भी स्लाइड क्रिएट करें तो आपको स्लाइड क्रिएट करने से पहले एक बात आपके माइंड में रखनी है कि आपको कैसा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है, उसी का थोड़ा बहुत आइडिया आपको पहले से होना चाहिए। जैसे ये एक स्पेसिमेन आपको मैंने आपकी ई बुक्स में दिया है कि हमारी जो एकेडमी है तो हमारी सीडेक या बाइट्स कंप्यूटर एकेडमी का अगर प्रेजेंटेशंस बनाना है तो कुछ वैसे हम लोग आप देख सकते हैं कि ये स्लाइड है और ये स्लाइड के जरिए हम लोग कुछ ऐसा प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्लाइड को क्रिएट करने से पहले आपको स्लाइड कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले हमारे पास हम लोग जब प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो एक स्लाइड हमारे हमारे सामने आ ही जाती है बाय डिफॉल्ट अपने आप। तो ये स्लाइड के अंदर इसका लेआउट हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो आपकी ई बुक्स में ये जो स्लाइड आपको मैंने आपको यहां पर शो की है, बराबर है। तो ये स्लाइड के अंदर ये इसका लेआउट आपको टाइटल ओनली रखना है। ये लेआउट क्या है ये भी मैं आपको यहां से आपको दिखा दूं कि हम लोग जब ये प्रेजेंटेशन ओपन किया तो ये स्लाइड अपने आप क्रिएट होके आ गई थी। लेकिन मैंने आपको पावर पॉइंट प्रोग्राम्स के उपयोग के बारे में आपको जब सिखाया था एट दैट टाइम्स मैंने आपको बोला था कि आपका प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए आपको स्लाइड बनानी होगी और आपके स्लाइड के अंदर आपके टेक्स्ट और आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको इसका लेआउट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये लेआउट को पसंद करने के लिए होम टैब में, और होम टैब में जाने के बाद ये स्लाइड ग्रुप है और स्लाइड ग्रुप के अंदर ये लेआउट का ऑप्शन है, यहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहां से आपको अभी हमारे पास आप देख सकते हैं ये टाइटल स्लाइड एक्टिवेट है, यानी ये लेआउट अभी अप्लाई किया हुआ है ये, बराबर है। तो आपको करना था टाइटल ओनली, यानी ये वाला लेआउट। लेआउट को चेंज करने के लिए आपको जिस लेआउट की जरूरत है उसी के ऊपर जाके आपको क्लिक करना है, आपका लेआउट चेंज हो जाएगा। अभी इसके अंदर हमें टेक्स्ट टाइप करना है, लेकिन हम लोग टेक्स्ट टाइप बाद में करेंगे, पहले हम लोग नंबर ऑफ स्लाइड्स हमें जितनी चाहिए वो हम लोग ले लेंगे। तो न्यू स्लाइड लेने के लिए मैंने आपको ई बुक्स में भी यहां पर सिखाया है कि यहां पर आपको अगर न्यू स्लाइड लानी है तो ये न्यू स्लाइड का जो ऑप्शन है वहां पर आपको क्लिक करना है। तो हम लोग ये जो न्यू स्लाइड का ऑप्शन है वहां पर क्लिक करेंगे।
न्यू स्लाइड के ऑप्शंस पर अगर क्लिक करना नहीं है तो आप लोग आपके कीबोर्ड से कंट्रोल एम ये दो की साथ में प्रेस करके भी न्यू स्लाइड ला सकते हैं। लेकिन यहां पर क्लिक करने से फायदा क्या होगा कि आप लोग जब न्यू स्लाइड के ऑप्शंस पर जाके क्लिक करते हैं तो न्यू स्लाइड तो अपने आप आ जाएगी, लेकिन आप लोग ये स्लाइड का कौन सा लेआउट चाहिए ये भी ये लोग आप यहां से तय कर सकते हैं। तो हम लोग यहां से ये जो न्यू स्लाइड इंसर्ट कर रहे हैं ये हमें इसका लेआउट टाइटल स्लाइड चाहिए ये वाला, क्योंकि मैंने ये लेआउट इसलिए सिलेक्ट किया कि आपकी ई बुक्स के अंदर ये जो सेकंड नंबर की स्लाइड है इसका लेआउट मैंने टाइटल स्लाइड रखा है। इसके अंदर आपको ये टाइप करना है, लेकिन मैंने पहले बोला कि आपको अभी डेटा टाइप नहीं करना है, पहले आप जो स्लाइड हमें चाहिए वो स्लाइड क्रिएट करके ले लेंगे, बराबर है। तो फिर से हम लोग जाएंगे और थर्ड नंबर की जो स्लाइड है उसी स्लाइड का लेआउट हमें टाइटल एंड कंटेंट ये वाला चाहिए, बराबर है। तो हम लोग यहां पर जाएंगे और आपको पता है अब आपको क्या करना है, न्यू स्लाइड के ऑप्शंस पर जाके क्लिक करना है और यहां से टाइटल एंड कंटेंट ये वाली स्लाइड आपको लेआउट के साथ लेनी है। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये थर्ड नंबर की हमारे पास स्लाइड आ गई है। फोर्थ नंबर की स्लाइड का लेआउट हमें ब्लैंक लेना है, तो हम लोग फिर से लास्ट ये जो हमारा ऑप्शन ये स्लाइड को लाने के लिए न्यू स्लाइड ऑप्शंस पर जाके क्लिक करेंगे और ये स्लाइड का लेआउट हमें ब्लैंक रखना है, तो हम लोग वैसे ब्लैंक रखेंगे, देखो बराबर है। अब हमारा डेटा एंटर करने के लिए आप लोग हमारी ये जो फर्स्ट नंबर की स्लाइड है उसी के ऊपर जाके क्लिक करें तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। अब आपको यहां पर क्या लिखना है वो मैंने आपको ई बुक्स में भी यहां पर आपको शो किया है, तो यहां पर आपको लिखना है सहर्ष स्वागत, बराबर है, यानी सुस्वागत वैसे भी आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग यहां पर गुजराती या हिंदी या इंग्लिश में भी आपका टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो हमने यहां पर लिखा सहर्ष स्वागत। तो हम लोग पहले हमारी जो लैंग्वेज है वो चेंज कर लेंगे और सहर्ष स्वागत, तो आप लोग वैसे आपका टैक्स एंटर कर सकते हैं, आपने देख लिया। आप जब आपको टैक्स एंटर करना है तो आपको यहां पर जाके क्लिक करना है, देखो बराबर है, यहां पर अगर आपको टैक्स एंटर करना है तो यहां पर क्लिक करना है तो आपका टैक्स एंटर हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया है कि ये जो पूरा टैक्स है वो पहले से टाइप करके एक फाइल क्रिएट कर रखी है, ज्यादा इसलिए कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो जाए। लेकिन आपको ये पूरा स्लाइड को क्रिएट करने के लिए वैसे ही डेटा आपको टाइप करना है, बराबर है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो हमारी स्लाइड है इसको क्लोज कर देंगे और हमने जो टाइप करके रखी है ये स्लाइड हम लोग ओपन करेंगे। तो यहां से ये जो है वेलकम इन बाइट्स कंप्यूटर एकेडमी ये स्लाइड को हम लोग ओपन कर लेंगे, देखो बराबर है। तो यहां पर मैंने आपका जो स्लाइड का लेआउट है वैसे ही लेआउट में ये डेटा पहले से ही टाइप करके रखा है। तो ये डेटा टाइप हो जाने के बाद आपकी जो स्लाइड है उसी को आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो आप लोग कैसे फॉर्मेटिंग करें इसके पहले मैं आपको आपकी जो स्लाइड है इसको कैसे सेव करते हैं वो भी मैं आपको यहां पर सिखा दूं। वैसे आपको पता है कि अगर आपको फाइल को सेव करना है यानी प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो फाइल मेनू में जाके सेव कमांड देना है, बराबर है ना, बराबर। तो वैसे मैं आपको यहां पर दिखाऊं, ये फाइल मेनू है और यहां पर जाके आपको सेव एज जो हमारा कमांड है वहां पर जाके क्लिक करना है और यहां पर आपको ये जो कंप्यूटर है वो ऑप्शंस पर जाके क्लिक करना है। वैसे यहां पर ही हमारा अभी कमांड एक्टिवेट है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको क्लिक करना है। और रिसेंटली फोल्डर, हमने लास्ट जिस फोल्डर में आपने काम किया है उसी का लिस्ट आप यहां पर देख पाएंगे। इसी लिस्ट के अंदर आपके फोल्डर का नाम है तो आपको आपके फोल्डर के ऊपर जाके क्लिक करना है। जैसे हम लोग अभी ये जो डेटा है ये हर्षिल पटेल के फोल्डर के अंदर सेव करने वाले हैं, लेकिन
ये नाम यहां पर है ही, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, समझ लो यहां पर आप जिस फोल्डर के अंदर आपकी प्रेजेंटेशंस को सेव करने जा रहे हैं और उसी का नाम यहां पर आता नहीं है, तो आप लोग को ब्राउज ये जो कमांड है यानी ऑप्शन से वहां पर जाके क्लिक करना पड़ेगा। और ये जो ब्राउज कमांड पर जाके क्लिक करते हैं तो आपको पता है कि आपने आपको क्या करना है कि आप लोग डी ड्राइव में जाएंगे और डी ड्राइव में जाने के बाद यहां से आपका जो स्टूडेंट फोल्डर है वहां पर आप लोग जाएंगे और स्टूडेंट फोल्डर के अंदर जो फोल्डर और फाइल है उसी का लिस्ट आप लोग यहां पर देख पाएंगे। तो इसी में से आपको हर्षिल पटेल के फोल्डर के अंदर जाना है तो आप लोग यहां पर जाएंगे तो आपको दो बार क्लिक करना पड़ेगा और यहां पर आपको आप जाएंगे तो एक बार क्लिक करना पड़ेगा, बराबर है। और यहां पर ये जो फाइल नेम है यहां पर आपको फाइल का नेम टाइप कर देना है, बराबर है। तो आपको जो फाइल नेम देना है वो आप यहां पर टाइप कर दे। ये जो सेव एज टाइप है तो हम लोग, मैंने आपको बोला था कि हम लोग जब पावर पॉइंट के अंदर हमारी प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो इसका एक्सटेंशन .ppt आ जाता है और हम लोग ये पावर पॉइंट के अंदर जब जाएंगे तो इतने अलग अलग वेरियस टाइप है कि जिसके अंदर हम लोग हमारी प्रेजेंटेशन को सेव करवा सकते हैं। लेकिन याद रहे आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये जो पहले वाला ऑप्शन से उसी के अंदर ही आपको सेव करना है, हो सके तो इसको चेंज ही नहीं करना है, देखो बराबर है। और ये सब इंफॉर्मेशन यानी ये आपके पास जो है वो देने के बाद आपको सेव बटन पर जाके क्लिक करना है। आप लोग जैसे सेव बटन पर जाके क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो यहां पर क्या है कि ये फाइल तो मैंने पहले से सेव करके रखी है तो हम लोग फिर से यहां पर जाके क्लिक करने वाला नहीं, लेकिन आपको यहां पर क्लिक करना है सेव करना है तो बराबर है। हम लोग यहां से अभी कैंसिल करके निकल जाते हैं, बराबर है। चलो तो आप लोग वैसे आपकी फाइल को सेव कर सकते हैं। फाइल को सेव करने के बाद अगर आपको प्रेजेंटेशंस को क्लोज करना है, बराबर है, तो आप लोग प्रेजेंटेशंस को क्लोज कर सकते हैं। यहां पर फाइल मेनू में जाइए और ये क्लोज बटन है, बराबर है। यहां से भी आप लोग आपकी प्रेजेंटेशंस को क्लोज कर सकते हैं। और एक भी तरीका है कि आप लोग कंट्रोल F4 की प्रेस करके भी आप लोग इसको प्रेजेंटेशंस को आपकी क्लोज कर सकते हैं। तो फाइल मेनू में जाएंगे हम लोग और यहां से ये जो क्लोज बटन है वहां पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशन जो हमने अभी ओपन की थी वो क्लोज हो गई है। आपकी आपकी ये जो प्रेजेंटेशन फाइल है इसी को ओपन करने के लिए आपको फाइल मेनू में जाना है। फाइल मेनू में जाने के बाद ये जो ओपन कमांड है वहां पर क्लिक करना है और यहां पर रिजेंट प्रेजेंट टेशंस, बराबर है, इसी के लिस्ट के अंदर लास्ट आपकी जो फाइल आपने ओपन की है प्रेजेंटेशन फाइल इसी में आपकी फाइल का यानी आपकी प्रेजेंटेशन का नाम अभी आता है तो आप लोग डायरेक्टली वहां पर क्लिक करके भी आपकी प्रेजेंटेशन फाइल को ओपन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कंप्यूटर ऑप्शन है वहां पर क्लिक करेंगे, बराबर है। और आपको पता है रिजेंट फोल्डर के लिस्ट में आपका फोल्डर का नाम आता है तो आपको वहां पर क्लिक करना है। लेकिन हम लोग अभी ब्राउज ऑप्शन पर जाके क्लिक करेंगे और डी ड्राइव में जाएंगे और स्टूडेंट में जाएंगे और यहां से ये जो हर्षिल पटेल है ये फोल्डर पर क्लिक करेंगे और आपको ये फाइल ये प्रेजेंटेशन फाइल को ओपन करना है। यहां पर जाके क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको ये जो ओपन बटन है वहां पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी फाइल हमने ओपन कर ली है। तो हमने सीख लिया कि पावर पॉइंट एप्लीकेशंस का प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस विंडो के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली, बराबर है। बाद में हम लोग हमारी जो प्रेजेंटेशन है इसके अंदर हम लोग कैसे स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं, स्लाइड का लेआउट हम लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया और इसके अंदर फाइल को आपको टेक्स्ट कैसे टाइप करना है, बराबर है, और कैसे फाइल को आपकी प्रेजेंटेशन को सेव करना है, क्लोज करना है और ओपन करना है, बराबर। ये सीखने के बाद हम अभी सीखेंगे होम टैब, बराबर है। तो होम टैब भी आपको ज्यादातर इसके ऑप्शन आपको मालूम है क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम सीख के आए हैं, बराबर है। तो फिर भी हम लोग यहां से इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो आपको पता है कि ये जो हमारी होम टैब है, बराबर है, तो इसके अंदर ये न्यू स्लाइड और लेआउट ये ऑप्शंस तो मैंने आपको यहां पर अभी सिखा दिया है। अब ये है रीसेट और सेक्शन, बराबर है। तो
आप लोग ये सेक्शन ऊपर जाके क्लिक करके इसका ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, रीसेट का भी आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, बराबर है। तो इसके बाद में है फॉन्ट ग्रुप, और फॉन्ट ग्रुप अभी एक्टिवेट नहीं है, देखो बराबर है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको आपके जो टैग्स है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इसी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, आपके टैग्स को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। देखो ये टैग्स हमारा एक्टिवेट हो गया है, जैसे हमारा टैग्स अभी एक्टिवेट हो गया तो ये सारे ऑप्शंस भी एक्टिवेट हो गए, बराबर है। तो यहां से आप लोग, आपको पता है कि अगर आपको ये जो आपका फॉन्ट है बराबर है ये चेंज करना है, तो आप लोग यहां से आपका अलग अलग टाइप के वेरियस टाइप के फॉन्ट आप लोग यहां से चेंज कर सकते हैं, बराबर है। और फॉन्ट के बाद में ये हमारा है साइज, यानी फॉन्ट साइज। एक बात यहां पर आपको खास नोट करनी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और एक्सेल में जब आपने काम किया तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में आपकी फॉन्ट साइज आपने 11 या 12 रखी थी, और इससे ज्यादा फॉन्ट साइज हम लोग रखते ही नहीं थे। लेकिन पावर पॉइंट के अंदर क्या होता है कि आप लोग देखते हैं ये जो हमारा फॉन्ट साइज है वो 88 है, बराबर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट साइज हम लोग रखते थे 11 या 12, लेकिन पावर पॉइंट के अंदर 88 फॉन्ट साइज है, बहुत बड़ी है इसके हिसाब से, तो बराबर है। तो आपको कम से कम 44 या 44 से भी ज्यादा आपको ये आपकी फॉन्ट साइज रखनी है। और मैंने आपको बोला था कि आपका टैक्स हो सके इतना छोटा रखना है, तो देखो मैंने यहां पर सिर्फ सहर्ष स्वागत बस वैसा ही लिख दिया है, या आप लोग इंग्लिश में अगर टाइप करते हैं तो वेलकम वैसा आप लोग लिख सकते हैं, बराबर है। अब ये आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपने ये ऑप्शंस का यूज किया है, जिसको बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट, यानी अगर फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो हम लोग ये इंक्रीज बटन पर जाके क्लिक करेंगे। इसके बाद में है ये डिक्रीज बटन, यानी फॉन्ट साइज को कम करना है, घटाना है, तो हम लोग ये डिक्रीज बटन पर जाके क्लिक कर सकते हैं। ये है रिमूव फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग, जैसे हम लोग आप क्लिक करेंगे तो अगर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है तो वो निकल जाएगा, जैसे अभी यहां पर बोल्ड और ये जो फॉर्मेटिंग ऑप्शन है वो अभी ये टैक्स को अप्लाई किया हुआ है, यहां पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा निकल जाएगा, देखो निकल गया ना, बराबर है। तो हम लोग इसको वापस ला देते हैं कंट्रोल जेड, बराबर वैसे। चलो ये आपको पता है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, बराबर है। और ये है टैक्स शैडो, बराबर है। तो आपको अगर टैक्स का शैडो लाना है तो आप यहां पर क्लिक करके ला सकते हैं, और इसी ऑप्शन को बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, बराबर है। और दो कैरेक्टर के बीच में अगर आपको स्पेसिंग डालनी है तो आप लोग यहां से ये स्पेसिंग भी डाल सकते हैं, अभी ये जो स्पेसिंग है ये नॉर्मल है, आप लोग लूज भी रख सकते हैं। देखो जैसे हम लोग पॉइंट करते हैं वैसे इसके अंदर यहां पर चेंजेस आ जाता है, देखो यहां से अभी ये है नॉर्मल और ये है लूज, बराबर है, ये है वेरी लूज, बराबर है। और मोर स्पेसिंग, यानी आपको इससे भी ज्यादा स्पेस चाहिए, बराबर है, कैरेक्टर के बीच में, तो आप लोग यहां से इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखो आपको कितनी चाहिए वो यहां से आपको स्पेसिफाई करना है, ये जो स्पिनर बटन है इसी को आपको स्पिन करके आप लोग यहां से अप्लाई कर सकते हैं, देखो बराबर है। और आपने जो स्पेसिंग अप्लाई अभी दिया, बराबर सेट किया, वो अप्लाई करने के लिए ओके बटन पर जाके क्लिक करना है, अगर अप्लाई करना है तो हम लोग यहीं अभी हमने जो सेटिंग किया है इसको अप्लाई नहीं करना है, इसलिए अभी क्लिक ये जो कैंसिल है वहां पर जाके क्लिक करेंगे, बराबर है। तो ये जो स्पेसिंग है, बराबर है, ये अप्लाई हो जाने के बाद ये आपके पास ये जो ऑप्शन है जिसको बोलते हैं चेंज केस, बराबर है। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम लोग अलग अलग जो केसेस है, जैसे कि अपर केस लोअर केस, वैसे केस में हम लोग हमारा डेटा हमारे जो टैक्स है इसको ला सकते हैं, तो इसी टाइम हम लोग ये केस चेंज कर सकते हैं अगर इंग्लिश में अगर हमने टाइप किया है तो। ये है फॉन्ट का कलर, ये आपको पता ही है, और
ये है अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, बराबर है, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। और ये आप देख सकते हैं, अगर आपको ये पैराग्राफ का वैसा सेटिंग करना है तो आप लोग यहां से कर सकते हैं, बराबर है। ये है बुलेट, ये है नंबर, और ये बुलेट और नंबर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी आपकी टेक्स्ट को अप्लाई किया था, बराबर है। और इसको बोलते हैं इंडेंट, ये भी हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यूज किया था, बराबर है। तो ये हम लोग सारा वैसे यूज कर सकते हैं। ये है टेक्स्ट ओरिएंटेशंस, बराबर है। तो टेक्स्ट का ओरिएंटेशंस हम लोग देखो, आप देख सकते हैं वैसा चेंज कर सकते हैं, देखो हुआ ना, बराबर है। तो अगर इससे भी ज्यादा अगर आपको कोई ओरिएंटेशन चाहिए तो आप लोग मोर ईयर ओरिएंटेशंस ऑप्शंस पर जाके क्लिक करेंगे और यहां से अपने हिसाब से ओरिएंटेशंस को सेट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहां पर अभी ओरिएंटेशंस को अभी चेंज नहीं करना, इसीलिए यहां से क्लोज हमें क्लोज कर लेते हैं। लेकिन आप लोग यहां से ये टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज करवा सकते हैं, बराबर है। बाद में ये है अलाइन टेक्स्ट, आपको कैसे टेक्स्ट अलाइन करना है, बराबर है। बीच में यानी मिडल, देखो ये मिडल हो जाएगा, ये बॉटम हो जाएगा, बराबर है। तो ये वैसे आप लोग आपके ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपका टेक्स्ट को टॉप, मिडल या बॉटम में इसको अलाइन कर सकते हैं वर्टिकली भी। बाद में है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को स्मार्ट आर्ट के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप लोग इसी को, इसी में आप लोग चेंज करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, आपको वैसा आपको चाहिए, बराबर है। तो आप लोग देखो वैसे भी आपको चेंज कर सकते हैं, हो गया, बराबर है। तो वापिस हम लोग कंट्रोल जेड करके इसको वापिस आ जाते हैं। देखो पहले हमारा सिंपल टेक्स्ट वैसा था, तो ये कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, वहां पर जाके आप लोग ये कोई भी ऑप्शंस के अंदर, देखो कोई भी स्मार्ट आर्ट के अंदर आप लोग वैसे चेंज करवा सकते हैं, राइट। और यहां पर आपको अगर कोई पिक्चर लाना है तो आप लोग यहां से पिक्चर भी ला सकते हैं। देखो मैं यहां पर पिक्चर कैसे इंसर्ट करता है कर सकते हैं वो मैं आपको यहां से दिखा दूं। तो ये एक पिक्चर है और ये पिक्चर हमने यहां पर ला दिया, देखो, बराबर है। तो हम लोग ये वैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद आप लोग फिर से होम पर आए, बराबर है। और यहां से हो जाने के बाद ये ड्राइंग है, तो अगर आपको यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, आपको ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी सारी बात पता है, और वर्ड में और एक्सेल के प्रोग्राम्स के अंदर आपने ऑब्जेक्ट ऐड किया था, बराबर है ना, जैसे रेक्टेंगल, लाइंस, ब्लॉक एरो, इक्वेशन शेप्स, बराबर है, एंड स्टार्स एंड बैनर्स एंड कॉल आउट्स। तो आपकी जरूरत के हिसाब से आपको ये इंसर्ट करना है। हम लोग अभी ये जो हमारी ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, बराबर है, तो ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन के अंदर ये सारी चीज हम लोग सीखेंगे। तो एक बार मैं यहां से एक एग्जांपल दे दूं कि अगर आपको यहां पर कुछ ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, बराबर, ये सन है, अदरवाइज ये भी हमारे पास है जैसे बैनर, बराबर है। तो ये बैनर को अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप लोग ये बैनर को वैसे ड्रॉ करवा सकते हैं, देखो। और बैनर के अंदर आपको अगर टेक्स्ट टाइप करना है तो आप लोग को क्या करना है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट अभी आपने ड्रॉ किया तो उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके राइट माउस बटन से क्लिक करना है, और राइट माउस बटन से क्लिक करने के बाद ये जो एडिट टेक्स्ट है वहां पर आपको जाके यहां के अंदर आप लोग टेक्स्ट लिखवा सकते हैं। जैसे हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, देखो, बाइट्स कंप्यूटर एकेडमी। वैसे हमें यहां पर लाना नहीं है, लेकिन आप लोग कैसे ला सकते हैं यह सिखाने के लिए मैं यहां पर यह टैक्स अभी एंटर किया है, बराबर है। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो आप लोग को जिस ऑब्जेक्ट को आपको डिलीट करना है वो आपको सिलेक्ट करना है क्लिक करने से, और यहां से आपका जो कीबोर्ड है वहां पर से डिलीट जो की है वो प्रेस करके आप लोग इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट हो जाने के बाद आपने जो अभी ऑब्जेक्ट किया, बराबर है, और इसी को आप लोग अरेंज भी करवा सकते हैं। जैसे कि आपको आपके पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, हम लोग अभी ला देते हैं इसको वापस, बराबर है। और ये जो ऑब्जेक्ट है उसी को हम लोग, देखो अभी ये क्या होता है, तो इसका जो लेयर है वो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर आ जाता है। तो उसी ऑब्जेक्ट को आपको, अगर ये ऑब्जेक्ट है ये पीछे वाला, इसके नीचे ले जाना है, पहले तो हम लोग क्या करते हैं इसका जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं, तो आपको पता चले कि ये हम लोग कैसे करते हैं, देखो, बराबर है।
और अभी ये इसके ऊपर ओवरलैप होता है, देखो बराबर है। तो ये जो कलर वाला ऑब्जेक्ट है इसको ब्लू कलर के जो कलर वाला ऑब्जेक्ट है इसके पीछे ले जाना है। तो आपको क्या करना है, सेंड बैकवर्ड यहां पर क्लिक करना है, बराबर है। अब इसी को अगर ये ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को आपको ये ऑब्जेक्ट के पीछे ले जाना है, तो आपको ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और ब्रिंग फॉरवर्ड यहां पर आपको क्लिक करना है, बराबर है। तो वैसे आप लोग इसको कर सकते हैं। और भी हमारे पास एक ऑप्शन है तो जिसके जरिए हम लोग इसका सेटिंग कर सकते हैं। देखो अभी हमारे पास ये हमने कुछ ऐसा सेटिंग किया, बराबर है। तो देखो हुआ, अब ये दो ऑप्शन है हमारे पास, तो ये अलाइन करना है हमें। क्या करना है, होम टैब में आते हैं और इसको अलाइन करना है। देखो ये भी सिलेक्शन करना है और शिफ्ट की प्रेस करके रखें और इसको भी सिलेक्ट करें, बराबर है। हम लोग इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखो बराबर है। तो ये ऑब्जेक्ट है, सिर्फ इसी को ही आपको सिलेक्ट करना है और इसी को हम लोग छोटा कर लेते हैं, बराबर है। और अब देख सकते हैं आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट है, बराबर है। तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखो हो गया, बराबर है। चलो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये दो ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट की को आपके कीबोर्ड के ऊपर आपकी जो शिफ्ट की है उसको प्रेस करके रखना है और ये ऑब्जेक्ट पर जाके क्लिक करना है। और ये जो अरेंज है वहां से जाके हमने इसको अरेंज करवाया था, बराबर है। यानी कि ब्रिंग में किसको लाना है, बराबर, ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक, किसको बैक में लाना है, किसी को फ्रंट में लाना है, वो हम लोग करवा सकते हैं। ये जो हमारे पास ग्रुप कमांड है तो हम लोग इसका जो ग्रुप है वो भी करवा सकते हैं। ये अलाइन है, यानी ये अलाइन ऑप्शंस पे जाके आपको ये अलाइनमेंट यानी इसको टॉप पे अलाइन करना है तो आप लोग ये टॉप अलाइनमेंट कर सकते हैं। देखो पहले अलाइनमेंट इसका ये था, बराबर है। तो टॉप अलाइनमेंट अप्लाई करने से ये अलाइनमेंट एक साथ में आ जाएगा और उसी अलाइनमेंट में जाके आप लोग को अगर ये लेफ्ट में अलाइन करना है तो आप लोग अलाइन लेफ्ट, तो देखो वैसे भी अलाइनमेंट इसका सेटिंग करवा सकते हैं। अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट का कैसे हो सकता है वो मैं आपको यहां पर से सिखा रहा हूं। तो आपको ये जो सारे ऑप्शंस हैं वो एक 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 बार क्लिक करके आपको देख लेना है, बराबर है। चलो ये हो जाने के बाद ये है रोटेट। तो आप लोग आपके जो एलिमेंट आपके ऑब्जेक्ट है इसी को वैसे रोटेट कर सकते हैं और आप लोग पीछे देख सकते हैं, देखो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो वैसे रोटेट हो रहा है। देखो ये वैसे और ये वाला, बराबर है, ये तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको पॉइंट यहां पर ऑप्शंस पर जाके अप्लाई करना है। तो यहां पर क्लिक करना है, अप्लाई नहीं करना है और सिर्फ देखना है। तो आप लोग वैसे इसको माउस यहां पर घुमा के आप लोग देख सकते हैं। अब ये हो जाने के बाद आप लोग ये जो हमारा क्विक स्टाइल है, बराबर है, तो यहां से आप लोग यहाँ ये कोई क्विक स्टाइल है ये भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो आप लोग यहां से जाके इसका कलर चेंज करवा सकते हैं या इसका कोई स्टाइल है वो भी चेंज करवा सकते हैं। तो ये हमने यहां से अप्लाई करवा लिया, बराबर है। और यहां से शेप फिल, तो आपको अगर कोई कलर अपने तरफ से अलग से फिल करना है तो आप लोग शेप फिल करवा सकते हैं। और आपको ये आपने ये प्रैक्टिस शायद किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा स्पीडली यहां से जाना चाहते हैं। और ये जो ग्रेडियंट है, अलग अलग टाइप के ग्रेडियंट है, बराबर है। और आप लोग मोर ग्रेडियंट में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, देखो यहां से। और आपको अगर दो कलर या तीन कलर में चाहिए तो भी आप लोग यहां से ये अप्लाई करवा सकते हैं। देखो पैटर्न लाना है तो आप लोग कोई पैटर्न ला सकते हैं, अगर कोई पिक्चर लाना है तो आप लोग पिक्चर ला सकते हैं, बराबर। तो ग्रेडियंस फिल करना है तो कोई खास अलग अलग ग्रेडियंस हम लोग ला सकते हैं। देखो आपको क्या करना है कि ये जो कलर है तो यहां से आप लोग अलग 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 कलर पसंद करते जाइए तो आपका ग्रेडियंस का अलग 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 कलर आप लोग यहां पर दे सकेंगे, देखो हुआ, बराबर है। तो मैंने आपको जो बताया वैसे आपको प्रैक्टिस करते जाना है, बराबर है। तो आप वैसे अप्लाई कर सकते हैं ग्रेडियंट्स को, देखो बराबर है। आपका कलर सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए,
बराबर है, आपको जो कलर सिलेक्शंस में लाना है बराबर है वो कलर सिलेक्शंस ला सकते हैं, सॉलिड कलर यानी एक ही कलर और नो फिल यानी ब्लैंक हो जाएगा, देखो बराबर है। हम लोग अभी सॉलिड कलर लाके इसको यहाँ पर ला सकते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं हम लोग, बराबर है। ये हो जाने के बाद आप शेप आउटलाइन यानी आपका जो शेप है बराबर है, इसकी जो आउटलाइन है यानी ये आउटलाइन बोलते हैं इसको बराबर है शेप की, तो ये भी हम लोग अलग 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 आउटलाइन ला सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस आउटलाइन का जो कलर है वो अलग कर लेते हैं, देखो बराबर है, ये जो कलर वाला है ये अप्लाई किया, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमने अभी आउटलाइन चेंज कर दी है। अगर आपने जो आउटलाइन सिलेक्ट की है बराबर है, इसी आउटलाइन की विड्थ भी अगर आपको इंक्रीज करनी है तो आप लोग वैसे इंक्रीज कर सकते हैं, देखो हुआ बराबर है। और आउटलाइंस इंक्रीज हो जाने के बाद आपको कैसी आउटलाइन चाहिए वैसे आउटलाइन आप लोग यहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ आपका माउस पॉइंटर घुमाना है, देखो बराबर है, और ये माउस पॉइंटर घुमा के भी आप लोग अपनी आउटलाइन को सिलेक्ट करवा सकते हैं बराबर है। तो आपको जो मन में आए जो पसंद आए बराबर है वैसी आउटलाइन आपको अप्लाई कर देनी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको आउटलाइन में वो स्टेट वाली जो आउटलाइन थी वैसे ही ला देंगे बराबर है। और बाद में है शेप का इफेक्ट, अगर ये इफेक्ट है बराबर प्रीसेट, तो अलग अलग इफेक्ट आप लोग ला सकते हैं। देखो आपको क्या करना है, आपका सिर्फ माउस पॉइंटर को घुमाना है बराबर है, और माउस पॉइंटर को घुमा के आप लोग देख सकते हैं आपको कैसा क्या इफेक्ट लाना है और कैसे अप्लाई करना है, देखो बराबर है। अगर आपको शैडो चाहिए, कैसा शैडो चाहिए, कहाँ से शैडो चाहिए, तो ये आप सिर्फ माउस पॉइंटर घुमाते देखते जाइए। तो ये जो सारे ऑप्शन है बराबर है, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे ऑप्शन आपको शो करके बताऊं, लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि आपको ये सारे ऑप्शन को उपयोग कैसे करते हैं वो मैं आपको एक बार सिखा दूं। और ये जो ग्लो है बराबर है, तो ग्लो ऑप्शन पे जाके आप लोग वैसा ग्लो करवा सकते हैं, देखो बराबर है, तो रेडीमेड ग्लो है देखो बराबर है, तो आपको जो अच्छा लगता है वो यहां पर आपको अप्लाई कर देना है राइट। तो ये आपने शेप इफेक्ट भी अभी दे ले दी बराबर है, सॉफ्ट एज, तो आप लोग वैसे इसको सॉफ्ट एज में जाके भी आप लोग कुछ अप्लाई करवा सकते हैं। और ये हमारे पास आपके पास ये अभी बेवल है, तो बेवल में जाके आप लोग ये देखो अलग 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 बेवल्स यूज करवा सकते हैं। ये हो जाने के बाद शेप इफेक्ट में जाके ये जो 3D रोटेशन है आप लोग 3D रोटेशन वैसे भी ला सकते हैं, देखो हुआ ना बराबर है। तो आपको सिर्फ इसको देखे जाना है, अगर आपको इसको पूरा कंप्लीट देखना है राइट, तो हम लोग इसको वैसे ला देंगे देखो, और इसके बाद में ये सिलेक्शन करके रखते हैं और शेप इफेक्ट में जाते हैं, और शेप इफेक्ट में जाने के बाद ये देख लो आप बराबर है। तो वैसे आप लोग कोई ऑब्जेक्ट को आपके हिसाब से घुमा सकते हैं, ला सकते हैं बराबर है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको यहाँ से अभी सिखा दिया है, और आपको एक 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 बार देख के अप्लाई करके देखना है देखो बराबर है। तो जैसे मैंने आपको सिखाया बस वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है और ये प्रैक्टिस करते जाना है। और ये जो आपको ये जो हमारे पास टैक्स है बराबर है, इसको अगर आपको कट कॉपी पेस्ट करना है तो ये तो आपको पता ही है बराबर है। और ये जो ऑप्शन है जिसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेट पेंटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने आपको ये फॉर्मेट पेंटर बताया था कि आपने किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट किया बराबर है, और वैसा ही फॉर्मेटिंग आपको कहीं और आपको अप्लाई करना है, तो फॉर्मेट जो हमारा कॉपी है बराबर फॉर्मेट पेंटर बटन है, तो आपको जिस टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग अच्छा लगता है उसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, और ये सिलेक्ट करने के बाद ये जो फॉर्मेट पेंटर बटन है वहां पर जाके क्लिक करना है, और जहां पर इसको आपको अप्लाई करना है वहां पर जाके इसको फिर से इस एक बार अप्लाई कर देना है। देखो मैं एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा फॉर्मेट पेंटर बटन है अभी मैंने ये सिलेक्ट किया है, और ये जो फॉर्मेट पेंटर बटन है वहां पर हम लोग क्लिक करेंगे, देखो किया, और ये स्लाइड है वहां पर आएंगे, और ये स्लाइड में आने के बाद हम लोग यहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं बराबर है। तो हमारी ये स्लाइड है देखो ये वाली, तो यहां पर मैंने ये फॉर्मेट पेंटर अप्लाई किया, और ये फॉर्मेट पेंटर मैंने मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है देखो बराबर, फिर से कर लो हम लोग क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाता है काम करने में, देखो यहाँ से हो गया, तो वैसा ही फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो गया है जैसा यहाँ पर है बराबर। और कंट्रोल जेड करके आप लोग देख सकते हैं अभी क्या है चेंजेस आया देखो
बराबर, ये वैसा चेंजेस आ गया। देखो यह आपका आपका टैक्स है और ये आपका टैक्स है, यहाँ पर बोल्ड है बराबर है, लेकिन यहाँ पर बोल्ड नहीं है। अगर हम लोग ये अप्लाई करेंगे तो हमारा ये हम लोग वैसा सेटिंग अप्लाई करवा सकेंगे। तो आज के सेशन में हमने जो प्रैक्टिस किया है उसी को आपको सेम वैसा ही रखना है, और आपने जो अभी अभी प्रैक्टिस के लिए जो ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर डाला है इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि अभी इसको हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो स्लाइड है और हमारी जो प्रेजेंटेशन स्लाइड है वो आपको कैसे प्रेजेंट करनी है बराबर है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, आपको वैसे फॉर्मेट करके लाना है। तो ये जो है अभी हमने अभी अप्लाई किया है वो थोड़ा अच्छा लगता है तो हम लोग इसको कायम रखेंगे, लेकिन बाद में हम लोग हमारा जो स्लाइड है इसी को ही हमने जो आपकी ई बुक्स में बताया है वैसे ही आपको फॉलो करते जाना है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही सीखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग जाएंगे ये फाइंड रिप्लेस सिलेक्ट ये ऑप्शन से। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपने सीखा था और एक्सेल में भी आपने इसका यूज़ किया था, लेकिन एक्सेल में हम लोग कैसा इसका यूज़ करते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। तो आपको ये पावर पॉइंट है इसी का स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और हमारे ई बुक्स को फॉलो करना है।